नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे और खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक और सटीक उपचार बताने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अधिक मास्टरबेशन किया है, अधिक हस्तमैथुन किया है। हस्तमैथुन करके उनको जो है नपुंसकता जैसी प्रॉब्लम होने लगी है या फिर हो चुके हैं वो, उसको दूर करने के लिए हम आपको एक सटीक नुस्खा बताने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, लोग जो है जवानी में या फिर उन्हें कोई बता दे, गलत संगति में रहकर ज़्यादा हस्तमैथुन करने लगते हैं, मतलब कि ज़्यादा मास्टरबेशन करने लगते हैं या फिर ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिविटी करने लगते हैं कि कोई भी पार्टनर हो, अनजाने में बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं, इसके कारण उनको जो है नपुंसक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि नपुंसकता उनको हो जाती है, उनका लिंग काम नहीं करता, वीर्य पानी की तरह पतला हो जाता है, तनाव नहीं आता, किसी तरह का उनमें जो सेक्सुअली फीलिंग नहीं बचता, सेक्स का मन नहीं करता, ये सब उनको प्रॉब्लम हो जाती हैं। देखिए होता क्या है कि जब वो अनजाने में ये सब कर बैठते हैं, मतलब कि अनजाने में एक दिन में 10-10 बार, 5-5 बार, 3-3 बार वो करते हैं, डेली करते हैं, उनको जो है उस समय तो लगता है अच्छा लगता है, मगर जब बाद में जब पता लगता है कि हमको प्रॉब्लम हो गई है, मान लो आपका पेनिस साइज जो है 6 इंच था, पेनिस साइज भी नहीं बचता भाई, इसमें इतनी बुरी हालात हो जाते हैं कि आपका जो लिंग का साइज है वो तक जीरो हो जाता है, सुकड़ कर अंदर घुस जाता है, इतना बुरा जो है इसका वो साइड इफ़ेक्ट होता है ज़्यादा मास्टरबेशन या फिर ज़्यादा सेक्स एक्टिविटी करना, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है। मामला ख़राब होने के बाद में फिर देखते हैं कि क्या हुआ, मतलब कि फिर उनको प्रॉब्लम हो गया, नपुंसक बन गए, मतलब अपनी गलतियों की वजह से नपुंसक बन गए। एक तो नपुंसकता वो होता है जो कि बचपन से ही होता है, वो प्राकृतिक होता है, वो कुछ ही लोगों में होता है, 100 में से 1-2% लोगों में होता है, वो तो परमानेंट ही होता ही है, उसका तो कोई इलाज ही संभव नहीं हो सकता, पर होता भी है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, होता भी है। तो जो हम जानबूझकर मास्टरबेशन, अधिक सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो ये नपुंसकता को ठीक किया जा सकता है, इसके लिए ही मैं आपको आज नुस्खा बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको ध्यान देना है, मास्टरबेशन नहीं करना है, हस्तमैथुन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल जाओ भाई इसको, कोई वीडियो नहीं देखना है, सेक्स नहीं करना है, ये सब आपको भूलना ही होगा, मतलब कि ये सब आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। बहुत ही अच्छा और लाजवाब नुस्खा है ये लड़कों के लिए जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उनको तो इसको यूज करना चाहिए और इससे जो है उनकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ये जो नुस्खा है 30 दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बना लीजिए या फिर ले लीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कंटिन्यू 3 महीने यूज़ कर लीजिए, पेनिस का प्रॉब्लम है या फिर स्पर्म का प्रॉब्लम है, नपुंसकता है, इच्छा नहीं करता, कुछ भी है, इससे पूरी तरह ठीक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। नुस्खे में आपको क्या क्या लेना है, देखिए पहले आपको लेना है शुद्ध कुचला 25 ग्राम, कुचला लेना है शुद्ध, ये नहीं आप संसार से ऐसे ही उठा लें, ऐसे ही मिला लें, ऐसा आपको नहीं करना है, शुद्ध करना होता है इसको, या शुद्ध लेना होता है, ठीक है। 25 ग्राम आप शुद्ध कुचला लेना है, रूबी मस्तगी आपको लेना है 25 ग्राम, निरगुंडी के बीज आपको 25 ग्राम लेना है, लवेरा आपको 25 ग्राम लेना है, सालम मिश्री आपको 25 ग्राम लेनी है, सालम गट्ठा आपको 25 ग्राम लेना है, सालम पंजा आपको 25 ग्राम लेना है, जंगली सफ़ेद मूसली आपको 25 ग्राम लेनी है, काली मूसली आपको 25 ग्राम लेनी है, कौच बीज को भी शुद्ध कौच बीज लेना है, इसको भी 25 ग्राम लेना है, अमरफल की जड़ आपको 25 ग्राम लेना है। कौच बीज का ध्यान रखना, शुद्ध ही लेना, ऐसे बीजों को डायरेक्ट सेवन नहीं करना है, शुद्ध पाउडर मिलता है मार्केट में, उसको ही लेना, ऐसे नहीं लेना कि बीज ले आए कूट पीस के मिला लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, शुद्ध करना होता है इसको। वीडियो है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं कैसे इसको शुद्ध किया जाता है। इतनी आपने जड़ी बूटियाँ ले ली, एक मार्केट में बैद्यनाथ का दवा आता है स्वर्ण सिद्ध मगर ध्वज भट्टी, 30 टैबलेट ले लीजिए इसको, क्योंकि 1 महीने का मैंने आपको बताया 30 टैबलेट आपको लेना होगा, 30 टैबलेट आपको मिल जाएगा, ये कम से कम आप मान लो 3000 के समथिंग 30 टैबलेट मिल जाएगा, ये नुस्खा आपको 4-4.5 हज़ार का समथिंग पड़ने वाला है 1 महीने का। इसको
ले लीजिए सारी जो जड़ी बूटियां हैं जो दवा है, के बाद में आपको जो जड़ी बूटियां हैं इनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है, मतलब कि कपड़छन पाउडर आपको बना लेना है। बनाकर आप जो है एक शीशे की बोतल में रख लीजिए। और जो स्वर्ण सिद्ध मगरध्वज बटी हैं टैबलेट है, ये 30 टैबलेटों को पीस लीजिए, मतलब कूट पीस कर इसका भी बारीक पाउडर बना लीजिए, जो जड़ी बूटियों के पाउडर में इसको मिला दीजिए। ये आपका कंप्लीट नुस्खा तैयार हो गया। अगर आपको शुगर नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको जो है 250 ग्राम शहद में मिलाकर रख लीजिएगा, आपका ये चल जाएगा 45 दिन समथिंग, अगर आप शहद में मिलाकर रख लेते हैं। नो टेंशन, ख़राब नहीं होगा, आप इसकी टेंशन ना करें, शहद में अच्छा रहेगा। मगर शहद में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को फ़ायदा जो है सूखा दवा ना करता है, तो वो शहद में देना होता है, तो इतना थोड़ा ध्यान रखना। इसका सेवन विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेवन आपको 4 ग्राम करना है एक टाइम में, सुबह को खाना खाने के बाद ही सेवन करना है, कम से कम एक कप दूध के साथ में। इसी तरह से शाम को भी खाना खाने के बाद में एक कप दूध के साथ में इस तरह से आपको सेवन करना है। इसका परहेज भी मैं आपको बता देता हूँ। परहेज फास्ट फूड, विटामिन सी, तेज मिर्च मसाले, ये सब आपको बंद करने होंगे। और जो मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया कि मास्टरबेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, सोचना भी नहीं, वीडियो भी नहीं देखना किसी प्रकार की, कि आपको जो है उत्साह आए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ये सारे परहेज रहेंगे, गर्म चीज़ों का आपका परहेज रहेगा, ये सब कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी 3 महीने में। 1 महीने का नुस्खा है, 2 महीने और बना कर इसको यूज़ कर लीजिएगा। कोई भी हरकत ना करें, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, प्रॉब्लम आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।